हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारी गाड़ी को हम लोग सर्विस स्टेशन लेके जा रहे हैं। यहाँ से कम 90 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर, फिर अगर उधर नहीं रहा तो उससे आगे पटना सिटी है जो 170 किलोमीटर होगा सिर्फ सर्विस स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि ये गाँव है तो मतलब वो हमारा मेन सिटी है पटना। तो आप वीडियो बने रहिए दोस्तों, वहाँ पर चलते हैं गाड़ी को लेके सर्विस को। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, मज़ा नहीं आ रहा है, झुलाना है। तो अभी कार को निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। मेरे साथ मेरे भाई और एक मेरा बचपन का दोस्त भी आएगा, इकबाल नाम है बचपन का दोस्त, और भाई सदाम भाई हैं। तो लेट्स गो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful. All is said and done. तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं बचपन के दोस्त उनके साथ जा रहे हैं बाजार पर, नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट लोकेशन डाल के मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर जाने के लिए उतने डिस्टेंस के हिसाब से पेट्रोल डाला है, क्योंकि वहाँ पर सर्विस होता पता नहीं चल पाता सर्विस होता है। Yeah.
वाला है, अभी हमारा रूट चेंज हो चुका है, मुजफ्फरपुर में अभी हम लोग है, तो यहाँ से सर्विस स्टेशन बंद है दर्शन का, तो अभी हम लोग निकलेंगे पटना की तरफ, यहाँ से 10 किलोमीटर है, अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं। निकलते हैं, इकबाल किधर गया? वन नंबर। अच्छा अच्छा, पानी हम लोग पी रहे हैं और वो इकबाल को लग रहा है। दो मैं पानी पीता हूँ। मुजफ्फरपुर जाना कैंसिल हो गया, मतलब अभी जा रहे हैं पटना की तरफ। मुजफ्फरपुर का सर्विस स्टेशन बंद है ना, इसलिए हम लोग प्लान बनाया पटना ही चले जाते हैं, सर्विस करा के आते हैं। हाँ, क्योंकि पटना में मेन सिटी है ना अभी वो। हाँ, मेन सिटी बिहार। मुजफ्फरपुर में क्यों उड़ाते रहे सभी लोग? बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी तो वही मालूम। जैसे कि क्या एक बार पानी हम लोग पूरा चलते दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं सर्विस स्टेशन, ये है पटना का सर्विस स्टेशन, जिसे देख रहे हैं डस्टर का, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इधर भी सर्विस स्टेशन को, प्रोफेशनल लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग आज ही के आज ये गाड़ी दे देंगे मुझे। मैं तो इधर हम लोग 7 बजे तक रुके रहेंगे, 7 बजे हम लोग लेके निकलेंगे, अभी तो लंच टाइम है, तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं लंच करने के लिए, और हम लोग शायद रात के 1 बजेंगे हमारे वापस घर जाएंगे। सुबह 8 बजे निकले, अभी 12 बजे पहुंचे। मटर झुमके गर्मी नहीं है ना, ठीक है। हमें 2 दिन आदत हो गया, अभी आदत हो जाए तो गर्मी मालूम नहीं चलेगा, अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा ना। अच्छा, ठंडी टाइम है तो गर्मी टाइम आया था, ठंडी तो ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा, रात में ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा तब है। अच्छा, अगर रमजान दिन में ठीक जाएगा तो भैया चलो हाथ धो के।
पसंदीदा डिश इधर मिलेगा और हम इसको अच्छे मजे से खाएंगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. पेन आई फेल्ट इज पेन। मटन और समथिंग वेज को मिक्स कर दिया है, काफ़ी शानदार दिख रहा है। आयो खा रहे हैं तो अभी मैं भी भोजन कर लेता हूँ, मतलब मैं भी खाना खा लेता हूँ, फिर हम लोग डस्टर। लाजवाब खाना खाया अभी हम लोग, और अभी चलते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने, क्योंकि ये लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं रखता है, तो कोल्ड ड्रिंक के तलाश में। ठीक है, फिर सर्विस स्टेशन पे हम लोग वेट करेंगे, शाम तक गाड़ी लेकर सीधा घर पे जाएंगे। सिर्फ पट्टी 18 या 2000 का आएगा पट्टी। हाँ भैया, क्या सेम ब्लैक कलर है? कलर चेंज मत करिएगा। तो अभी वो चेक कर रहे हैं दोस्तों। हमारी गाड़ी एकदम फुल्ली कम्प्लीटली सर्विस हो चुका है, के 7:30 हो रहा है, मतलब 7:30, तो बहुत ही मुश्किल है 5 घंटे ट्रैवल करना हमारे घर तक। तो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। क्या अकबाल, डर तो नहीं लगेगा ना? मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना दूर आने का, मतलब अपने गाँव से पटना का शहर सिटी में, गाँव में पहली बार इतना दूर आया हूँ। एक्सपीरियंस करते हुए लाते हुए अपने वापस गांव, 6 घंटे 5 घंटे का सफ़र है, रात को चलाना तो बिस्मिल्लाह। ठीक है तो दोस्तों, सही है तो दोस्तों, इधर का डस्टर का सर्विस सेंटर काफ़ी शानदार है, सही वक्त में एकदम एक ही दिन में मतलब सब कुछ सर्विस करके दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है, ये रहना चाहिए हर एक जगह। तो कोई बात नहीं करते, तो इधर का ड्राइवर ने बोला निकल जाओ, कैमरा लगा हुआ है, नहीं तो नौकरी चले जाएगी। तो ये खुद बाहर लेके आएंगे, बाहर तक चलते हैं, बाहर तक आएंगे। तो दोस्तों अभी जाएंगे, रात तक खाना खाएंगे, फिर सिगरेट घर पे।
तो दोस्तों अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं। अभी यहाँ से हमारा 70-80 किलोमीटर है जो हमारे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। अभी हम लोग कुछ भूख और थोड़ा प्यास लग गया है तो एक बार तो फास्ट फूड के लिए रुके। यस, हम लोग टायर्ड हो गए हैं बहुत। बैठे बैठे कॉफी पिए गैस मिला। सर्विस सेंटर में बैठे बैठे कॉफी पी के ना पूरा गैस का फुल हुआ। इसलिए ठंडा थोड़ा पीना जरूरी है। तो अभी लगभग कितना बज रहा है? 9 बज रहा है तो अभी हम लोग को 3 घंटा लग जाएगा ना। 12 से पहले मुझे रीच होना है तो कोशिश करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इतना दूर आया हूँ मैं पटना मतलब बिहार में। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर, ड्राइविंग करके टोटल 400 किलोमीटर एज अ ड्राइविंग करके फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है इन बिहार। हाँ टोटल 400 किलोमीटर। बटर नान रोटी नहीं है नहीं वो दो कर दीजिए। बटर हंडी और तंदूर कर दीजिए। 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप भी कितना अभी साथ में हूँ डिनर के लिए बैठे हुए हैं। खाने खाने ये मेरा दोस्त बचपन का दोस्त है जो चट्टी एक ही चट्टी में बड़े हुए हैं। देखियो बाल एक ही चढ़िया बड़े हुए ना, बचपन में चढ़ी ही नहीं बनते थे। चल तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि पिछले साल मतलब 5 साल पहले भी हम लोग मैं कभी गाँव आता था तो इसके साथ ज़्यादा खेलता था। तो बाइक उठाता हूँ और जैसे ही दूर दूर चले जाता खेलने के लिए। तो ये पिछले साल आया नहीं था, ये साल आया तो बहुत ही अच्छा समय आया, टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। तो वीडियो ले लो भैया। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. A feel of discontent, I'm finally facing it all.
को निकाल के इसमें डाल दिया है, लाइम सोडा बना दिया। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging. The Great Indian Kitchen, really it was very great. अभी 11 o'clock हो रहा है, अभी मुझे लग रहा है हम लोग शायद 1 o'clock को रीच हो गए, चलते हैं दोस्तों। ये भाई लोग फोटो ले रहे हैं, ये एक बाल है जो इसका रिसेंटली शादी होने वाला है। ये देखिए हमारे गांव के डिस्ट्रिक्ट ढाका में, यहाँ पे कुछ मतलब मेहनती बंदे लोग छुट्टियों में आके इधर खेलते हैं, शहर कुछ कमाते हैं और यहाँ के खेलते हैं। अच्छा वो अपने मन, अभी रात को 2 बज रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, अभी मैंने मेरे वाइफ को कॉल किया है, वो नीचे आ रही है डोर ओपन करने के लिए, और जैसा कि देख रहे हैं हमारे गांव का लाइट कट चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही व्लॉग, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।